हेलो दोस्त लोग। तो जी हाँ, मैं निकल चुका हूँ अपने घर से चंडीगढ़ की तरफ। ठीक है, लुधियाना से चंडीगढ़ जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा यार कि कॉलेज गायब हो गया है। ठीक है, कॉलेज गायब हो गया तो मुझे हो गया था टेंशन कि साला डिग्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और डिग्री मेरी 2020 में कम्प्लीट हो गई थी और फिर अभी तक मैं डिग्री लेने गया नहीं था, तो मैं जा रहा हूँ 2023 में डिग्री लेने। सोच सकते हो, अब देखो डिग्री मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या हुआ क्या नहीं, आगे वीडियो में बने रहो, सब कुछ पता चलेगा। तो हाँ, मैंने वहाँ से बस ली, 90 रुपये का टिकट लगा, तो ध्याना से मैं मरिंडे आके उतर गया। अब मरिंडे से भाई मरिंडा मैं पहले यहीं पर रहता था। ठीक है, मैंने 4 साल यहीं काटे हैं, 4 साल नहीं कह सकते, 3 साल, 1-1.5 साल शायद मैंने बस से अप डाउन किया डेली। तो काफ़ी कुछ बदला लग रहा है यार। ये शायद ये नीचे से रास्ता नहीं था, ऊपर से ही रास्ता था पहले। हाँ, ये पुल वगैरह बना दिए हैं और ये शायद यहाँ पे तो यार रेडिया लगती थी, रेडी रूढ़ी सब गैप कर दी यार भाई लोग। देख रहे हो, मतलब जो यहाँ पे मतलब मुरंडे वाले जानते होंगे, यहाँ पहले रेडी लगती थी, अब यहाँ पे सिर्फ दुकानें बची हैं। और बारिश का मौसम है, क्या ही बताऊँ, पूरा मूड ख़राब हो गया, किच 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 किच। बगल में लोंडा देख रहे होगे आप, ये लोंडा मेरा जूनियर है, इसका तो चलो अभी कम्प्लीट हुआ, ये डिग्री लेने जा रहा है सही टाइम पर, हमारी तरह बेवकूफ़ी नहीं किया। हाँ, असले देख रहे हो कितना ज़्यादा पानी है यार जाने का। चलो अब तो पहुँच ही गए। वैसे यार यहाँ से कुछ थोड़ा दूर है, आगे फाटक है। ठीक है, पहले फाटक बंद होता था तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते थे, इसलिए फाटक नीचे से सड़क दी थी, फाटक मतलब ऊपर से कोई आता जाता नहीं है। तो जी हाँ, वहाँ से मैंने मरिंडे से लिया ऑटो, 20 रुपये ले रहे हैं भाई। अब 2020 में 10 रुपये लेते थे, अब 20 रुपये ले रहे हैं 2023 में। ठीक है, तो हाँ मैं निकल गया हूँ, निकल आए हैं, पहुंच चुके हैं, थोड़ी सी दूर मतलब रह रहे हैं यहाँ पे। अभी थोड़ा सा आगे जाओगे तो उधर एक ग्राउंड है, वहाँ पे हम लोग बैट बॉल खेलते थे। ठीक है, तो पहुंच गए थे, तो मैंने पूरी वीडियो, अब ये देख रहे होगे ना, ये जो आप अभी सामने से ये देखोगे ना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो मैं आपको बाद में पहले वाली फ़ोटो दिखाऊंगा जो हमारे कॉलेज पे मतलब हमारे कॉलेज का नाम लिखा रहता था, वहाँ से चेंज करके क्या हो गया क्या नहीं हो गया। ठीक है, अभी आप देखो, ये अंदर सिक्योरिटी गार्ड भैया लोग बैठे हैं, सर को फ़ोन करना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, सर को फ़ोन किया था तो सर आ गए थे, और सर ये राइट वाली लेफ्ट वाली खिड़की में बैठे हैं, बोल रहे हैं अब जब तक एप्लीकेशन लिखो मैं तुम लोगों का सर्टिफिकेट ढूंढता हूँ। ढूंढ रहे हैं भाई साहब, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे तो बहुत लग रहा है। और ये पार्क देख रहे हो, पूरा खाली होता था, ये जो कैब वो जो कैफ़े बना दिया ना, वो कैफ़े को भी कुछ नहीं था। और ये रास्ता जाता है बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर बस भी खड़ा कर दिया इन लोगों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। और ये जो सामने देख रहे हो, इधर हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर किया है, फर्स्ट ईयर हमने यहीं पे निकाला है, सामने वाले ब्लॉक में, ये जो एकेडमिक ब्लॉक देख रहे हो आप, DD4 यही वाला। तो अभी आपको पूरा टूर कराएंगे पीछे, मतलब ग्राउंड इसका जहाँ पे क्रिकेट मैच होता था और सब कुछ, जहाँ पानी वानी पीते थे हम लोग। पानी वानी देखो यार, सफाई तो ऐसे काफ़ी अच्छी कर दी है, हम लोग कॉलेज वाले इतना सफाई नहीं कर रहे जब तक हमारे अंडर में कॉलेज था, मतलब हमारे आदेश के अंडर में जब तक था तब तक सफाई नहीं थी, अब सफाई काफ़ी हो गई यार। देख रहे दोस्तों, पूरी लाल सड़क बिछा दी है, लाल सफ़ेद। तो वो सामने आप देख रहे होगे ना, वो लाल लाल जो बिल्डिंग था, ये वो राइट में, हाँ ये है सचदेवा कैंपस, ये बी फार्मेसी के लिए है। ठीक है, और ये साइड में पार्क, ये हमारा पार्क था, यहाँ पे हम बैठते थे लंच लुंच करके, जो भी मस्ती होती थी मस्ती करते थे फिर जाते थे। और ये इधर भी है ग्राउंड, यहाँ पे मैच लगता था, मतलब आपस में ही मैच लगाते थे। दिखाता हूँ आपको ग्राउंड, ग्राउंड काफ़ी बड़ा यार देखोगे, बट वो उतना मस्त वाला नहीं है जितना अच्छा लगता है, मतलब हरे भरे घास वाला, पूरा सूख गया है, कोई देख रेख करने वाला है नहीं आई थिंक। तो पहले यार ये पीछे का रास्ता होता था, इधर से ना हम लोग ये सड़क देख रहे हो ना, यहाँ सड़क नहीं होती थी, ये सिर्फ टोटल पार्क होता था, और सीधा हम निकल जाते थे वो घर के पास, वहाँ पे मतलब ढाबा होता था, कुछ खाते पीते थे और आ जाते थे पीरियड वर्ड मिस करके। तो यही है ग्राउंड यार। और वो सामने जो देख रहे हो ना, वो है बॉयज़ हॉस्टल, सॉरी लेफ्ट में था, आपको दिखाना भूल गया, ये देख रहे हो सामने ऊपर, बॉयज़ हॉस्टल सीधा जाओगे ना तो मिल जाएगा। और ये जो अभी आप सीधे सामने देख रहे हो ना, सामने बिल्कुल ये, हाँ ये BCA ब्लॉक है, मतलब BCA ब्लॉक होता था, अब इन्होंने पता नहीं क्या किया है क्या नहीं किया है उसका तो नहीं पता मुझे, लेकिन पहले तो BCA ब्लॉक था हम लोग का। यहाँ पे पानी पीते थे BCA ब्लॉक में, मेरी तरफ से 2-3 दोस्त जाते थे, उन्होंने आधी डिग्री की सालों ने आधी छोड़ दी। हाँ, तो यही था।
और सामने देखोगे ना, अगर आप सामने वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, ये कितना काम करा चला रहे हैं भाई, कब से तो इनका बन ही रहा है, जब से मैं इस कॉलेज पढ़ रहा हूँ तब से इनका काम चल ही रहा है, पता नहीं कितना ब्लॉक बना के छोड़ेंगे ये लोग। हाँ, लगे हुए कंस्ट्रक्शन में भाई साहब, LPU की कॉपी करने में, LPU के जैसे स्ट्रक्चर है वैसे स्ट्रक्चर देने में लगा हुआ है, पूरी ईटे उटे भाई, क्यों भाई हैं चंडीगढ़ वालों। तो ये था यार, ये सड़क वड़क मतलब बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें हम लोग पढ़ते थे, जो लेफ्ट वाला पहला रूम है ना, इसमें हम लोग पूरा एक साल निकाले हैं, फर्स्ट ईयर निकाले हैं, उसके बाद हम गए हैं मतलब सेकंड बिल्डिंग में, मतलब दूसरी वाली बिल्डिंग में गए थे। तो आपको मैं लास्ट में फ़ोटो दिखाऊंगा सामने से, मतलब जो कॉलेज में एंटर करते हैं ना, सामने की फ़ोटो दिखाऊंगा मैं। तो ये है अपार्टमेंट, मतलब हमारे ब्रांच की लड़कियाँ रहती है इस अपार्टमेंट में, और यहाँ से लेंगे हम ऑटो और फिर चलेंगे अपने घर की तरफ। यहाँ से तो ऑटो मिलेगा, मोरिंडे से बस लेना पड़ेगा। तो चलो, तो दोस्तों ये है मतलब पहले ऐसे नहीं था, ये जहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखा था ना, यहाँ पे आदेश इंस्टीट्यूट लिखा हुआ था, तो इन्होंने पूरा ढांचे चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम था, बस यही इतना चेंज हुआ है, ये ब्लॉक DD3 ये सब नहीं था, बस सामने आदेश इंस्टीट्यूट लिखा था बस, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही था। और हाँ यार, अब मैं थक चुका हूँ, तो यार थोड़ा सा आप लोग ना ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि मुझे थकावट महसूस ना हो, समझ रहे हो ना। हाँ, और सब्सक्राइब जरूर करें ना भाई, बस।